स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लर्निंग पोर्टल पे। मैं हूं नीरज, आपका दोस्त। आज आपको बताने जा रहा हूं ESXi इंस्टॉलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं यहां पे इंस्टॉलिंग ESXi के बारे में बता रहा हूं। ESXi जो है एक हाइपरवाइज़र है। हाइपरवाइज़र दो तरह के होते हैं, टाइप वन हाइपरवाइज़र और टाइप टू हाइपरवाइज़र। टाइप वन हाइपरवाइज़र जो होते हैं वो हमारे पास जैसे VMware का ESXi होता है और माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी, ये दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ESXi है और हाइपर वी है, जो सेम हाइपरवाइज़र है, ये टाइप वन हाइपरवाइज़र होते हैं। ये डायरेक्टली क्या है, आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होते हैं एज ए OS की तरह। और दूसरे तरह के हाइपरवाइज़र होते हैं जैसे VMware वर्क स्टेशन, जिनको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे और फिर जाके मशीनें बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेमोरी रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है आप उसके ऊपर हाइपरवाइज़र डालते हो और उसके बाद मशीन्स बनाते हो। तो यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं ESXi। ESXi जो है वो टाइप वन हाइपरवाइज़र है। डायरेक्टली बेयर मेटल इंस्टॉलेशन होती है इसमें, यानी कि डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है एज ए OS की तरह, इसलिए इसको कहते हैं बेयर मेटल इंस्टॉलेशन। तो आगे बढ़ते हैं, इसके रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ESXi इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि प्रोसेसर। प्रोसेसर इसमें आपको चाहिए 64-bit प्रोसेसर और x86 CPU, यानी कि 32-bit CPU पे भी ये चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों तरह के आप CPU यूज़ कर सकते हो, पर आपके पास अगर 64-bit CPU है तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर एटलीस्ट 2 कोर्स, हमारे पास देखो ड्वेल कोर या क्वाड कोर CPU होना चाहिए, ऑक्टा कोर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कोर की होती है इसको। इसके बाद आते हैं ESXi सपोर्ट ए ब्रॉड रेंज ऑफ x64 मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी कि ये डिफरेंट तरह के जितने भी आपके मल्टी कोर प्रोसेसर हैं जो 64-bit वाले हैं उनको सपोर्ट करता है। इट रिक्वायर्स NX और XD बिट टू इनेबल इन द BIOS सेक्शन इन द CPU। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारे पास जो CPU होते हैं उसमें दो तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, NX और XD बिट इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो होती हैं हाइपरवाइज़र के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। आप XD और NX बिट को इनेबल कर दोगे CPU के अंदर तो तभी ये काम करेगा, तभी आप इसमें ESXi इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, CPU वर्चुअलाइजेशन में जाके आप उसको VT इनेबल कर दोगे, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आपका प्रोसेसर AMD का है तो आप AMD V ऑन करनी पड़ेगी आपको। तो इसके बाद देखते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट। तो इसमें देखो 4 GB की मिनिमम रैम चाहिए, इसमें 8 GB रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो लैन कार्ड चाहिए वो चाहिए हमारे पास गीगाबिट लैन कार्ड या 10 GB लैन कार्ड, और 40 GB लैन कार्ड जो है वो रिकमेंडेड है। तो ये कम से कम गीगाबिट लैन कार्ड पे काम करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टोरेज की तरफ। तो डिस्क स्टोरेज में यहाँ पे हमें चाहिए स्कजी एडेप्टर या स्कजी कंट्रोलर, जिसके थ्रू आप अपनी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा फाइबर चैनल एडेप्टर होना ज़रूरी है इसमें। अगर फाइबर चैनल नहीं है तो आप अपने स्टोरेज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आई स्कजी एडेप्टर जो होता है आपका आई स्कजी कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट करने के लिए होता है हार्ड ड्राइव्स को। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनल रेड कंट्रोलर भी चाहिए, अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे चाहिए इंटरनल रेड कंट्रोलर। इसके बाद है ये स्कजी डिस्क, आपके पास स्कजी ड्राइव होनी चाहिए। फाइबर चैनल लॉजिकल यूनिट नंबर यानी कि लन, यानी कि यहाँ पे स्टोरेज के अंदर आपको लन क्रिएट होने चाहिए। तो लन जो होता है वो आपकी हार्ड ड्राइव की तरह ही है,
यानी कि हार्ड ड्राइव का एक स्मॉल पार्ट होता है जिसे हम लन कहते हैं, तो स्टोरेज में वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा स्कजी डिस्क होनी चाहिए हमारे पास, या रेड लन विद अनपार्टीशन स्पेस। अगर आप यहाँ पे रेड लन बना रहे हो तो उसमें अनपार्टीशन स्पेस होना चाहिए जिस पे आप ESXi को इंस्टॉल कर सकते हो, तभी वो क्या करेगा, बूट फॉर्म सेंड कर सकता है। इसके बाद है साटा हार्ड ड्राइव चाहिए या iSCSI चाहिए या सीरियल iSCSI चाहिए, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी हार्ड ड्राइव्स के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है होस्ट नेम, होस्ट नेम हम यहाँ पे डालेंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे इससे, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन के टाइम मांगेगा ये सारी चीज़ें आपको, कीबोर्ड का लेआउट क्या है, वीलैन आईडी क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, गेटवे क्या है, प्राइमरी डीएनएस, अल्टरनेट डीएनएस, रूट पासवर्ड, ये सारी चीज़ें सेटअप की जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जैसे कि आप बूट फ्रॉम सैन करना चाहते हो तो उसके लिए रिमोट स्टोरेज डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास रिमोट डिवाइस नहीं है तो लोकली में आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप पेन ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हो ESXi को। तो इसके लिए आपको USB फ्लैश ड्राइव भी चाहिए, अगर आप CD या DVD से करना चाहते हो तो वो चाहिए आपको, या फिर ISO इमेज चाहिए ESXi की। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है हमारे पास। एडिशनल रिक्वायरमेंट है जैसे कि अगर आप स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको एक स्क्रिप्ट फाइल चाहिए, ठीक है, और स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू भी आप ESXi को इंस्टॉल कर सकते हो। स्क्रिप्ट मस्ट बी स्टोर ऑन द फॉलोइंग सर्वर लाइक HTTP, HTTPS, FTP, NFS। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑटोमेटिकली आंसर लेता रहेगा ये, अगर आपने किसी CD ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव में आंसर फाइल बना के डाल देनी है। इसके बाद है PXC बूट इंस्टॉलेशन इज पॉसिबल, आप क्या है रिमोट इंस्टॉलेशन के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा ऑटो डिप्लॉय मेथड के थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसमें देखिए कि आपके पास क्या होता है, इंटरेक्टिवली इंस्टॉल होता है ये, तो इसमें आपके पास क्या है, एक आंसर फाइल क्रिएट करनी पड़ती है हमें ऑटो डिप्लॉय के लिए, तो ऑटो डिप्लॉय जो है अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर, और उसी के थ्रू ये आंसर आते रहेंगे और ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगी, तो इसको हम बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद है रिमोट मैनेजमेंट के लिए थर्ड पार्टी टूल्स होने चाहिए, जैसे आपके पास VMware vSphere क्लाइंट होना चाहिए इसको मैनेज करने के लिए, और रिमोट लोकेशन से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो थर्ड पार्टी मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू। बूट फ्रॉम सैन, अगर आप सैन पे ये रख रहे हो और सैन से ही ESXi को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो सैन स्टोरेज। तो ये आपका सैन स्टोरेज है, इसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है, इसमें कोई भी आप पार्टीशन बनाओगे तो लन क्रिएट्स हो जाएंगे, तो ये लन आपके पास अवेलेबल होंगे। ये आपका स्विच लगा हुआ है, स्विच से आपका ये VMware कनेक्टेड है, इसमें दो अलग अलग NIC है। तो यहाँ पे जो ESXi इंस्टॉल होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जो बूट फ्रॉम लन, यहाँ पे लन जो दिया है इसमें ESXi की इमेज डाल देंगे और उसी से के इंस्टॉल हो जाएगा और बूट करेगा, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। तो इसके अलावा फाइबर चैनल वगैरह भी होने चाहिए हमारे पास, नहीं तो हम क्या है स्टोरेज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देखिए VMware वर्क स्टेशन पे आ गया हूँ अपने, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ESXi। तो देखिए सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन बना लीजिए, यहाँ पे देखिए टिपिकल रिकमेंडेड आ रहा है और यहाँ पे देखिए कस्टम आ रहा है, तो आप कस्टम ले लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। ये VMware कंपेटेबिलिटी है तो हार्डवेयर वर्जन कौन सा यूज़ करना है वो यहाँ पे आप बता सकते हो, तो हम यहाँ हार्डवेयर वर्जन जो है 14 यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखिए इंस्टॉलर डिस्क आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए अभी फ़िलहाल आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे चूज़ कर लीजिए VMware ASX और ASX का वर्जन 6.0 यूज़ करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पाथ दे सकते हो आप, लोकेशन कहाँ पे इंस्टॉल करना है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर, दो कोर्स मिनिमम चाहिए आपको
मेरे पास क्वाड कोर सीपीयू है तो मैं यहाँ एक और ले लेता हूँ। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोसेसर आगे 4, नेक्स्ट करेंगे। रैम यहाँ पे 4 GB रिकमेंडेड है तो 4 GB यहाँ पे आ चुकी है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखो नेटवर्किंग यूज़ करेंगे हम NAT मोड में। NAT मोड जो होता है आपका वो VMware वर्क स्टेशन के लिए सबसे सुटेबल होता है, ऑटोमेटिकली आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे SCSI कंट्रोलर आप चूज़ करेंगे, LSI लॉजिक, नेक्स्ट करेंगे। SCSI हार्ड ड्राइव चूज़ करेंगे, इसके बाद न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे। इसके बाद देखो हार्ड डिस्क की स्पेस जो आपको लेनी है 40 GB स्पेस लेनी है, और यहाँ पे देखो स्टोर एज ए सिंगल फाइल यूज़ करना है। VMware के लिए काफ़ी वर्क ये आपके जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ से आप 10 GB की हार्ड डिस्क मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। एलोकेट ना करें आप इसे, नहीं तो आपकी हार्ड डिस्क में से उतना स्पेस ये काट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो ये VMDK फाइल बन गई आपकी 10 GB की ESXi की, और यहाँ पे इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको एडिट में जाइए आप, और यहाँ पे CD ड्राइव जो है सेलेक्ट करके ISO फाइल दे दीजिए इसको। तो ब्राउज़ कर दीजिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए जिस ड्राइव में आपकी इमेज फाइल रखी है उसको सर्च कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास VMware की फाइल पड़ी है, तो यहाँ पे हम लेंगे VMWISER इंस्टॉलर 6.0, ओपन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। मशीन को एक बार स्टार्ट करेंगे। मशीन स्टार्ट हो रही है, जैसे स्टार्ट होगी यहाँ पे आपसे बूट के लिए पूछेगी, तो यहाँ पे इंस्टॉल आपको करना है, डायरेक्टली बूट करना है ESXi से, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, बूट करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए बूटिंग हो रही है इसकी। ये क्या कर रहा है, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं ESXi की वो लोड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, और आपकी जो फाइल्स हैं यहाँ पे बूटिंग फाइल्स उनको लोड करके बूट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये लोड हो रही हैं फाइल्स, कभी कभी यहाँ पे स्टक हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये आपके सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आपके हार्डवेयर कंपेटेबल नहीं होगी या हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो यहाँ पे स्टक होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा ये एक IP एड्रेस उठा लेगा DHCP से, और DHCP के थ्रू फिर इसको मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए जब तक ये पूरा कंप्लीट होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करते हैं, और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वापस से आऊँगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो आएगा इस ESXi 6.0 इंस्टॉलेशन, एंटर प्रेस करना है आपको यहाँ पे, और ये लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको एग्री करना है, तो इसके लिए आप दबाएंगे F11। यहाँ पे जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको स्कैन करेगा यहाँ पे, और अब ये ढूंढ रहा है हमारी हार्ड ड्राइव को। ये देखिए हार्ड ड्राइव मिल गई इसको, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 10 GB की हार्ड ड्राइव यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। अगर आप पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो तो पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकते हो, तो तब ये पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, लैंग्वेज चूज़ करेंगे कीबोर्ड लैंग्वेज US डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे डालेंगे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो इसके रूट का पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, पासवर्ड मैच हो गया है, नेक्स्ट करेंगे, एंटर कर देंगे।
इसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा हमसे, पूरे सिस्टम को ये स्कैन कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगा है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आ चुका है कन्फर्म इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप F11 प्रेस करेंगे दोबारा से और अब ये इंस्टॉल होने जा रहा है, इंस्टॉलिंग ESXi 6.0। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही पूरा होगा कंटिन्यू करेंगे इसे। तो दोस्तों यहाँ देखिए कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन और यहाँ पे आपको रिबूट मांग रहा है, तो आप यहाँ पे रिबूट कर सकते हो। रिबूट के लिए आपको प्रेस एंटर करना है और ये रिबूट हो जाएगा। दोस्तों ये जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है इसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो अप टू 60 डेज़, क्योंकि इवेल्युएशन मोड में 60 डेज़ तक ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। इसके बाद आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा इसका, अदरवाइज़ आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, बूट हो रहा है और ये जितनी भी सिस्टम फाइल्स हैं उनको लोड करता है मेन मेमोरी के अंदर और बूट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद ये एक आईपी एड्रेस उठा लेगा जिसके थ्रू हम इसको रिमोटली मैनेज करेंगे और फिर इसके अंदर वीएम बनाएंगे, जितनी आप वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है F2, इसने एक आईपी एड्रेस उठा लिया है और जिसके थ्रू ये DHCP के थ्रू एक आईपी एड्रेस उठा के यहाँ पे काम करेगा। और देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं F2 और F12। F12 तो शटडाउन के लिए होता है, F2 से कस्टमाइज करेंगे इसको। तो कस्टमाइज करते हैं, यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं। देखो रूट का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है, तो रूट जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है पासवर्ड हमने जो भी यहाँ पे मेंशन किया था वही यहाँ पे डालेंगे। तो रूट और उसका पासवर्ड डाल के एंटर प्रेस कर देंगे, ये देखिए एंटर प्रेस करने के बाद हम काफ़ी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सेकंड इसमें यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए IPv4 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो। तो अगर आप स्टैटिक आईपी यूज़ करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे स्टैटिक आईपी सेट कर सकते हो इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देंगे, ये देखो स्टैटिक आईपी हो गया, ये V6 के लिए है। DNS सर्वर यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यहाँ पे इसका होस्ट नेम डाल दीजिए ESXi 01। यहाँ पे कस्टम DNS सफिक्स यानी कि जो आपके डोमेन का नाम है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे sysadmin.com इस तरह से आप डाल सकते हो। यहाँ पे VLAN ऑप्शनल है, अगर आप VLAN ID डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो अपनी। तो ये स्विच पे कॉन्फ़िगर होनी चाहिए पहले VLAN, तभी आप इसको मेंशन कर सकते हो।
नेटवर्क एडेप्टर देखो आप, यहाँ पे एक एडेप्टर यूज़ हो रहा है, वी एम एन आई सी जीरो कनेक्टेड फॉर्म में है। इसके बाद कॉन्फ़िगर होने के बाद एस्केप करेंगे इसको और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पे देखो अप्लाई चेंजेस आ रहा है, तो यस प्रेस कर देंगे यहाँ पे। तो इसके लिए आप वाई प्रेस करेंगे तो ये सेव चेंजेस हो जाएगा आपका। इसके बाद एस्केप कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होस्ट नेम सेट हो चुका है, ESXi 01, IP एड्रेस सेट हो चुका है स्टेटिक, और IPv6 भी स्टेटिक IP सेट हो चुका है। इसके बाद इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसको रिमोटली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, किसी भी मशीन से इसको यूज़ कर सकते हो मैनेज करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसको मैनेज करना। तो आज के लिए इतना ही यहाँ पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।